हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द फिनोटिपिक रेशियो फ्रॉम एनी टाइप ऑफ क्रॉस, आईडेंटिटी मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, टाइट्रा हाइब्रिड। ओके, तो इन एनी टाइप ऑफ गिवन कंडीशन, वेदर इट इज मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और पॉली हाइब्रिड, हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ फिनोटिपिक रेशियो, और वी कैन से हाउ कैन वी कैलकुलेट द फिनोटिपिक रेशियो। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग टू द वीडियो ट्यूटोरियल, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको मिलते रहे, और साथ ही साथ आप जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना इस वीडियो में देख लेते हैं कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द फिनोटिपिक रेशियो फ्रॉम एनी टाइप ऑफ गिवन क्रॉस। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं मोनोहाइब्रिड कंडीशन में। ओके, तो मोनोहाइब्रिड कंडीशन, या हम कह सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, सो जैसा कि लग रहा है मोनोहाइब्रिड मीन्स इसमें सिर्फ एक ही पेयर ऑफ कैरेक्टर होगा, ठीक है, और उसी का हम लोग क्रॉस करेंगे और देखेंगे कि इस मोनोहाइब्रिड कंडीशन में हम कैसे जो फिनोटिपिक रेशियो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि हम लोग जो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि हम लोगों ने नंबर ऑफ गैमेट फाइंड आउट करना था किसी भी क्रॉस से, तो उसमें हम लोग 2 की पावर n जो फॉर्मूला यूज़ करते थे, वहीं अगर हम लोग जीनोटाइप कैलकुलेट करते थे तो उसमें हम लोग जो n का पावर है 3 की पावर n यूज़ करते थे। ठीक है, तो ऐसे ही अब इस केस में क्या करेंगे हम लोग कि अगर फिनोटिपिक रेशियो है तो इसके लिए एक स्पेशल, या हम कह सकते हैं एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे अगर आपने याद कर लिया, जो कि बहुत ही इजी है रिमेंबर करना, ठीक है, अगर आपने उसे रिमाइंड कर लिया तो आप किसी भी क्रॉस से जो फिनोटिपिक रेशियो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको वो फॉर्मूला बता देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या है, फिनोटिपिक रेशियो इट विल बी इक्वल टू 3:1 की पावर n। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, 3:1 की पावर n, तो इसमें n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड क्रॉस। ओके, नंबर ऑफ हाइब्रिड क्रॉस से क्या मतलब है कि अब आपको देखना है कि आपको जो पेंटर क्रॉस दिया गया है, या तो आपको पेंटर जीनोटाइप दिया गया है, उसमें कितने कैरेक्टर हैं। अगर उसमें कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस करा देते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ, तो उसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर दो कैरेक्टर का आपको जीनोटाइप दे दिया गया तो उसमें जो नंबर ऑफ हाइब्रिड क्रॉस होंगे वो क्या होंगे, 2 होंगे, यानी इसमें मोर देन, उसमें 2 कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो ये फॉर्मूला है 3:1 की पावर n, ठीक है, कैसे हमें प्रूव करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है इट इज़ करेक्ट। ओके, तो इसके लिए हम लोग कोई भी मोनोहाइब्रिड कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, सपोज अगर हम लोग एक कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ये तो कैपिटल टी देन कैपिटल टी स्मॉल टी देन कैपिटल टी स्मॉल टी एंड द लास्ट वन इज स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो जब भी आप इसका कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, तो आपको ये 4 टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये जो 4 प्लांट्स हैं, ठीक है, यानी कि जो मोनोहाइब्रिड कंडीशन है उसमें जो ये फॉर्मूला है फिनोटिपिक रेशियो का, ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या है, एक प्लांट है इसके अंदर कैपिटल टी है, ठीक है, यानी कि ये प्लांट क्या हो गया, टॉल हो गया। दूसरा प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी, अपने आप इसमें देखिए कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट एलील है, ठीक है, ये डोमिनेंट एलील है। अब ये जहाँ जहाँ प्रेजेंट होगी, जिस जिस प्लांट की जीनोटाइप में प्रेजेंट होगी, तो वो प्लांट जो है वो क्या होगा, टॉल होगा, तो ये भी टॉल हो जाएगा। इसमें भी वही सेम केस है, इसमें भी टॉल हो जाएगा। अब बात करेंगे स्मॉल टी की, इस केस में क्या है, रेसेसिव एलील है, रेसेसिव एलील प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये प्लांट क्या होगा, ड्वार्फ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर फेनोटाइप अगर हम इसका देखें तो आप इसमें 2 टाइप्स के प्लांट्स होंगे, या तो प्लांट टॉल होंगे या प्लांट क्या होंगे, ड्वार्फ होंगे। ठीक है, तो इसका फिनोटाइप अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फिनोटाइप इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, तो 2 टाइप के फिनोटाइप आएंगे, एक तो टॉल आ जाएगा, ठीक है, एक ड्वार्फ आ जाएगा, ये तो हो गया फिनोटाइप। अब हम देखते हैं फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, अगर फिनोटिपिक रेशियो कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला कैसे फिट बैठ रहा है। तो देखिए
अब इसमें एक ये प्लांट ये भी टॉल है, ये प्लांट ये भी टॉल है, ये प्लांट ये भी टॉल है, तो आउट ऑफ फोर जो थ्री प्लांट्स हैं, थ्री प्लांट्स आर टॉल, ओके, एंड वन प्लांट इज ड्वार्फ। तो आपको क्या मिला इसमें, थ्री प्लांट टॉल मिले और वन प्लांट ड्वार्फ मिले, ठीक है। तो आपको ये रेशियो क्या मिलेगा, 3:1, ठीक है। तो देखिए अब जो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो क्या है, 3:1 की पावर n, ठीक है। तो आपको तीन प्लांट क्या मिले, टॉल मिले, वन स्मॉल प्लांट मिला, ठीक है। अब अगर इसी फॉर्मूले में हम लोग ये वैल्यू रखें तब क्या होगा, तो देखिए इसमें जो n क्या है वो नंबर ऑफ हाइब्रिड क्रॉस, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, एक टाइप का क्रॉस यानी सिंगल एलील की जो प्रेजेंट है, ठीक है, सिंगल पेयर ऑफ एलील प्रेजेंट है। तो अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो 3:1 n की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है और मैंने क्या बताया n इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड क्रॉस, आपको पूरा हाइब्रिड क्रॉस देखना है पेरेंटल जीनोटाइप में, ठीक है। तो इसमें क्या है, n की पावर 1 हो जाएगी, तो आपका फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, 3:1, ठीक है, ये आपका फिनोटिपिक रेशियो आ गया, जो कि हमने जो है प्रूव किया था, ठीक है, बाय यूजिंग कैप मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हम लोग क्रॉस करा के हम लोग ने उसे कन्फर्म भी किया था। तो हम लोग को थ्री प्लांट टॉल मिले, वन ड्वार्फ मिले, तो इससे भी हम लोगों ने जब फॉर्मूला यूज़ किया तो फॉर्मूला से भी हमें क्या मिला, 3:1, ठीक है। तो ये हो गया कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे फिनोटिपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड कंडीशन में, ठीक है। तो चलिए अब और भी कंडीशन हम यूज़ कर लेते हैं कन्फर्म करने के लिए, कि देखिए और जो फॉर्म अदर जो क्रॉसेस है उसमें भी ये वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। बहुत ईजी ये सब, तो आप बहुत ही ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और नीट वीट का एग्जाम किसी का भी एग्जाम हो तो उसमें ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर आते हैं कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ गैमेट, नंबर जीनोटाइप, फेनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। तो ये सब क्या है, अगर आपको पता होगा तो आपके 4 to 8 मार्क्स कन्फर्म रहेंगे, ठीक है। अब ले लेते हैं हम लोग डाई हाइब्रिड कंडीशन, क्या लिया, डाई हाइब्रिड कंडीशन, ठीक है। तो अगर आपको दे दिया जाए डाई हाइब्रिड कंडीशन का कोई भी क्रॉस जिसमें 2 जीन पेयर्स प्रेजेंट है, अगर कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल पी, इसका क्रॉस करा दे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो क्रॉस दिया गया है ये कौन सा है, वेदर इट मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और पॉली हाइब्रिड। तो इसमें देखिए एक कैरेक्टर ये हो गया, एक कैरेक्टर ये हो गया, ठीक है, यानी कि इसमें 2 कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उन 2 कैरेक्टर का सेल्फिंग करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, n इक्वल टू क्या होगा, 2, क्योंकि ये क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब फॉर्मूला क्या है, फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू 3:1 की पावर n, ठीक है, यही तो फॉर्मूला उन्होंने यूज़ किया था। तो इसमें आप देख लीजिए, तो 3:1 की पावर क्या हो जाएगी, n बराबर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि ये जो क्रॉस है आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो क्रॉस है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो यहाँ पे n की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी मैथमेटिक्स है, 3:1, 3:1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, देन 1 1 1, ठीक है। तो आपको जो डाई हाइब्रिड कंडीशन में आपका जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 9:3:3:1, ठीक है, समझ में आया ना। तो आपने इसमें क्या किया, सबसे पहले कोई भी जो क्रॉस आपको दिया गया उसमें बस आपको देखना है कि जो क्रॉस ये वेदर इट इज मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और पॉली हाइब्रिड। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला यूज करना है 3:1 की पावर n, ठीक है, n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड क्रॉस। तो आपको इसमें पता चल गया जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड क्रॉस है वो क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो n की पावर ऑटोमेटिक आपको पता चल गई 2, ठीक है, बस सिंपल। फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ करिए 3:1 की पावर n और उसमें पर n की वैल्यू पुट कर दीजिए, बाद में सिंपल सी मैथ, नॉर्मल सी मैथ है वो करिए आपको, और आपका जो फिनोटिपिक रेशियो है ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब और ट्राई हाइब्रिड कंडीशन देख लेते हैं, चलिए ट्राई हाइब्रिड कंडीशन देख लेते हैं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस और कंडीशन, ओके। तो ये आपको
ट्राई हाइब्रिड कंडीशन में अब हम देखते हैं कि वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी क्रॉस करा देते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है हमने क्रॉस करा दे दिया। ये आपको पेंटेन जीनोटाइप सपोज मिल गया। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें बताइए नंबर ऑफ, इसमें बताइए कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। तो फिर वही सिंपल सी बात, अब आपको क्या देखना है कि ये जो क्रॉस है ये कौन सा है, वेदर इट मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड। अब देखिए इसमें आपको देखने से ही लग रहा है कि इसमें थ्री जीन पेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है कितने प्रेजेंट है, थ्री जीन पेयर्स, ठीक है। तो ये क्रॉस क्या हो गया, ये ट्राई हाइब्रिड कंडीशन हो गई, ठीक है। एक देखिए ये क्रॉस एक ये कैरेक्टर हो गया, एक ये कैरेक्टर एक ये कैरेक्टर, तो इसमें मोर देन टू कैरेक्टर यानी कि इसमें थ्री कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो थ्री कैरेक्टर तो आपने सोच लिया ओके थ्री कैरेक्टर है, तो इसका मतलब ये जो क्रॉस है हमें दिया गया है ये है ट्राई हाइब्रिड, ठीक है। तो सिंपल सा इसमें भी कर लीजिए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 और ये क्या है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस ट्राई हाइब्रिड, ओके बस सिंपल सा है। अब आप क्या कर लीजिए इसमें फेनोटिपिक रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत ईजी है। तो फेनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू 3:1n, यही तो फॉर्मूला था 3:1n, ठीक है। तो n बराबर आपको क्या मिल गया, n इक्वल टू ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर आइडेंटिफाई किया कर लिया है 3, आपने क्रॉस देख के आइडेंटिफाई कर लिया n की वैल्यू क्या होगी 3, यानी कि ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या वैल्यू आएगी 3:1:1 ओके n की पावर 3 हो गई। बस सिंपल सी मैथमेटिक्स कैलकुलेट कर लीजिए 3:1 तो आपने 3:1 तीन बार लिख लिया, ठीक है क्योंकि इसकी n की पावर 3 है, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लीजिए 3:1 ठीक है। अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर लीजिए तो 3:9:27:3:9:3:3:1 ठीक है। तो आपको ट्राई हाइब्रिड को क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला 27:9:9:3:9:3:3:1 तो ये हो गया आपका जो फिनोटिपिक रेशियो है ट्राई हाइब्रिड कंडीशन में, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपको कंडीशन दे रखी हो चाहे वो पॉली हाइब्रिड चाहे टेट्रा हाइब्रिड दे दे या पेंटा हाइब्रिड दे दे, तो आपको क्या करना है बस ये फॉर्मूला यूज करना है 3:1n, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे तो आप कोई सा भी आपको क्रॉस दे दिया जाए एग्जाम्स में आप इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं फिनोटिपिक रेशियो। अब मेनली क्या होता है जो नॉर्मली जो नीट का एग्जाम होता है तो उसमें जो क्रॉस है वो अप टू ट्राई हाइब्रिड तक दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं या कुछ हायर लेवल के एग्जाम चाहे एम्स हो गया एफएमसी हो गया या सीएसआईआर हो गया या गेट हो गया, तो उसमें क्या करते हैं जो एग्जामिनर होता है या हम कहते हैं जो पेपर सेट करता है वो जो क्रॉसेस है वो इंक्रीज कर सकता है, मतलब वो आपको टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस का भी क्वेश्चन दे सकता है पेंटा हाइब्रिड क्रॉस का भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बस आपको सिंपल सी ट्रिक यूज करनी है और ये फॉर्मूला आपको यूज करना है फिनोटिपिक रेशियो इक्वल टू 3:1n। अगर आपने ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप n मतलब कोई सा भी आपको क्रॉस मिल जाए, ठीक है, तो आप इजिली उसमें फिनोटिपिक रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको सिखाया कि हाउ यू कैन कैलकुलेट द फिनोटिपिक रेशियो। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करें ना जाएं और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा बनाया गया किसी भी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं अब हमारे अगले वीडियो में, तो हमारा अगला वीडियो रहेगा कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। इसमें हम लोगों ने सिखाया आपको फिनोटिपिक रेशियो कैलकुलेट कराना और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। इसके बाद आपका जो ये डेंटिक ट्रिक्स रिलेटेड जो पार्ट वाइज वीडियो बन रहा है, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद मैं कुछ और भी टॉपिक्स यूज करूँगा जिससे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।